नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है सांध समाचार का और बुलेटिन की शुरुआत कांकेर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उस पर नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। यहां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही है। महाराष्ट्र के गांव छिंद भट्टी और माझीगढ़ से ये मुठभेड़ हुई है। कई जगहों पर ये बातें अब सामने आने लगी है कि जो नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ के अब सीमावर्ती इलाकों में अपना डेरा डाल रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ से निकल करके वो महाराष्ट्र भी चले जाते हैं, वहां पर भी अपना डेरा डाले हुए हैं और दोनों ही राज्यों की जो सीमा है उसका फायदा उठाते हैं। मुठभेड़ में एक जवान कंधे में गोली लगने से घायल भी बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। घायल जवान को बाद में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, इलाज के लिए घायल जवान को गढ़चिरौली लाया गया है। और सहयोगी लोकेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र, पहले तो बताइए कि इस वक्त उस जवान की स्थिति क्या है और वहां पर मुठभेड़ की सिचुएशन क्या है? जी, छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र के बॉर्डर में है वो गढ़चिरौली, वहाँ लगातार सर्चिंग अभियान जारी था। इसी में जो है सी60 के जब जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी थी, तो सी60 के एक जवान के जो कंधे में गोली लगी है, जिसको कांकेर जिले के बांदे में लाया गया और हेलीकॉप्टर से जो है उस जवान के अच्छे इलाज के लिए महाराष्ट्र लेके गया है। जी ठीक है, लेकिन अभी उसकी तबीयत कैसी है, क्या वो खतरे से बाहर है? इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जवान की जो हालत है अभी ठीक है। वो अभी जो है जब तक उनको जो हॉस्पिटल लेके गए हैं, बाद में ही उसकी जो है आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। अभी अधिकारियों द्वारा कुछ भी बताने से इनकार किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन लोकेंद्र जरा बताइए कि वहां पर अभी मुठभेड़ की क्या स्थिति कैसी चल रही है, वहां पर मुठभेड़ क्या खत्म हो गई या फिर नक्सलियों को वहां पर ढेर किया जा रहा है? जी अभी भी मुठभेड़ जो है रुक रुक के जारी है और अभी लगातार मुठभेड़ वहां चल रही है। अभी स्थिति जो गंभीर बनी हुई है, बताया जा रहा है कि और कोई जवान घायल और होने की आशंका है, लेकिन स्थिति जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी ठीक है, लेकिन वहां पर कितने नक्सली हो सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं या फिर वो महाराष्ट्र के ही नक्सली हैं, क्योंकि वो सीमा पर इस वक्त मुठभेड़ हो रही है? जी, नक्सली जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा के बीच जो जंगल है वहाँ मौजूद है, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की जो सुरक्षा बल है दोनों ने साथ में मिलकर जो है ये जो मुठभेड़ को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं नक्सली जो है छत्तीसगढ़ के ही बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन वहां पर कितनी संख्या में नक्सली है कुछ इस बारे में जानकारी, सुरक्षा बलों ने घेर रखा है इस वक्त, वहां पर एनकाउंटर की क्या स्थिति, मुठभेड़ की क्या जानकारी? चारों ओर से जो है नक्सलियों को घेर के रखा है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है यह बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो भी बातें हैं वो अभी स्पष्ट रूप से अधिकारी बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए वहां नक्सलियों की संख्या कितनी है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ को देखकर के जो जानकारी मिल रही है, लोकेंद्र हमारे सहयोगी उसकी जानकारी दे रहे हैं, तो वहां पर आप नजर बनाए रखिएगा लोकेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।